आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। शक्ति जी, वो एक्चुअली टिया और शिवाय की एंगेजमेंट इतनी बार पोस्टपोन हो चुकी है कि आई हैव गॉट अ नर्वस ब्रेकडाउन। मैं कहीं भी अकेली आ जा नहीं सकती, और अगर बहुत जरूरी काम हो, कहीं जाना हो, तो मैं अपने साथ रॉबिन को ले जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा रॉबिन, वरना आजकल के बच्चे तो अपने पेरेंट्स के लिए वक्त ही नहीं निकालते। भाई, ये महंगा है क्या? लुक है, सी देयर, हाय मैं बोल रहा हूँ, देख आपको रहा। टिया बेटा, तू जाके शिवाय को फौरन बुला ला, आज और अभी सगाई की तारीख पक्की करते हैं। श्योर आंटी जी। खन्ना, बैंक से पता किया कि चेक इन कैश हुआ है या नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ सर। ठीक है, जैसे ही हो लेमी। 72 hours। बेबी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए 72 आवर्स चाहिए। वेल, वो 72 आवर्स पूरे हो गए हैं। क्या अब हम अपनी एंगेजमेंट की डेट डिस्कस कर सकते हैं? कम ऑन बेबी, लेट्स फिक्स द डेट नाउ। देखो मॉम भी आई हुई है और वो तुम्हें बुला रही है। टिया प्लीज, मैं एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल का वेट कर रहा हूँ, और मॉम को लाने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेती। नहीं, और ये सगाई कितनी जल्दी की? सगाई तो होनी है, राइट? व्हाट्स द हरी? ये भी तुम समझ नहीं रहे हो, सोशल मीडिया पे मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो पूछते रहते हैं। पूछने दो, इट्स ओके। कल पूछेंगे कि शादी कब हो रही है, उसके बाद पूछेंगे बच्चे कब हो रहे हैं, सेकंड बच्चा कब हो, उनका काम ही है पूछना, दैट्स ऑल दे डू। टिया प्लीज, मैं कई दिनों से एक जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ, और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता मैं एंगेजमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं मॉम को इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ खन। सर, बैंक से फोन आया था, अनिका ने चेक कैश करा लिया है। वेट, क्या हुआ टिया? वो शिवाय ने कहा है कि उसे एंगेजमेंट के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। कितने मच्छर हो गए ना आजकल घर पे। और कितना टाइम चाहिए भाई, प्लीज टेल्स मी। हाँ, दो घड़ियां पहन ले अगर और टाइम चाहिए तो। भैया बात सही कर रहे हैं। शट अप। ये लड़का चाहता क्या है? मैं सगाई नहीं करना सगाई नहीं करना चाहता। हरिप्पा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे और तिया को सीधे शादी कर लेनी चाहिए।
सकती हूँ। कब? That's great news, शिवाय। बताओ, कब करना चाहते हो शादी? एक महीने में। Really, baby? You're the best. Oh my माता, एक महीने में शादी और एक साल के अंदर अंदर मुझे छोटा सा पोता दे देना हाँ? मेरे छोटे से शिवाय की तरह, थोड़ा थोड़ा गुस्से वाला, कंजी आंखों वाला, दाढ़ी वाला। ऐसे कंजी आंखों वाले ना मुझे पता कितने चंट होते हैं। नहीं, टू मच हो गया। ओ, ये हो क्या रहा है? तूने जो कहा सोच समझ के कहा ना? भाई हम तो सगाई की बात कर रहे थे, तूने सीधा शादी की बात कर ली। दादी, शादी तो करनी ही थी, मैं बस में डिले क्या करना। भाई तेरी जिंदगी का फैसला है, सोच समझ के करना। मैंने सोच भी ली है और समझ भी ली है। मुझे लगता है टिया मेरे लिए परफेक्ट है और मैं उसके साथ सारी जिंदगी रह भी सकता हूँ। क्या पुत्र, दिल के सौदे उससे नहीं करते जिसके साथ रह सकते हैं, उससे करते हैं जिसके बिना नहीं रह सकते। दादी आप जानती हैं ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आती। तो समझना सीखना। देख, तू अब राय खानदान की इतनी फिकर करता है, हम सब के बारे में सोचता है, अब अपने बारे में सोच। देख, तू बिजनेस में कामयाब इसीलिए है ना कि तू अपने बिजनेस में रिस्क लेता है ना? दौलत की दुनिया में रिस्कबाज कामयाब होते हैं, पर दिल की दुनिया में इश्कबाज। इसलिए अपनी जिंदगी का फैसला इश्कबाज बन के ले। दादी ये इश्क इश्कबाजी मुझे समझ नहीं आती। समझ में आता है तो बस ये कि रिश्ता भी एक किस्म का सौदा ही होता है। बहुत फर्क है, सौदा जीतने के लिए किया जाता है और इश्क हारने के लिए। इश्कबाजी में जीतना हो ना तो पहले दिल हारना पड़ता है। तो फिर मैं कभी इश्कबाज नहीं बन सकता क्योंकि शिवाय सिंह ओबेरॉय हारना नहीं जानता। जिस दिन इश्क में हारोगे ना उस दिन समझोगे जीतना क्या होता है। दादी मैं जानता हूँ आप मुझसे ये सब कह रही हैं क्योंकि आप मेरी फिक्र करती हैं। You really love me. लेकिन I want you to know कि Tia is the perfect girl for me. मुझे ऐसा लगता है कि Tia से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश रहूंगा। तू खुश है तो हमें और क्या चाहिए? चलो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। ओके। पक्का ना? Absolutely पक्का। यार ये भैया को शादी की क्या जल्दी है? I hate marriage. मुझे एक बात समझा, तुझे टिया से प्रॉब्लम है या शादी के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है? मुझे ना शादी के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है। हस्बैंड की हालत देखिए शादी के बाद कैसी हो जाती, जहर जैसी, जहर जैसी। सही हो तो सॉरी बोलो, गलत हो तो सॉरी बोलो, स्टूपिड क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है। बेबी मैं मोटी तो नहीं लग रही ना? बेबी मेरे बाल नोटिस की? अरे 3 फुट लंबे बालों में से 2 इंच बाल काट लेगा तो कौन नोटिस करेगा यार? रिमोट शेयर करो, पासवर्ड शेयर करो, इंस्टाग्राम का दो, फेसबुक का दो, डेट्स याद रखो, उसकी मम्मी का बर्थडे, मेरी मम्मी का बर्थडे, किस किसकी मम्मी का बर्थडे याद रखे यार, एनिवर्सरी याद करो, फर्स्ट किस याद रखो। अरे अरे फर्स्ट किस कौन याद रखता है यार, इससे तो अच्छा मैं जान दे दूं। और भैया जान देना चाहते हैं। तू तो सेंटी हो गया यार। भैया हमसे दूर जा रहे हैं, सेंटी नहीं होगा क्या? रुद्र ये तेरे बारे में नहीं है। I know ये अनिका के बारे में। क्या? डब्बा। क्या? साफ बोल। अब्बा डब्बा जब्बा। पागल हो गए भैया, अनिका डब्बे में थी, डब्बा आपके कमरे में था, आप डिनर में थे, अनिका में डिनर था, मेरा मतलब कि डिनर में अनिका भी थी ना। डिनर के बारे में तुझे कैसे पता चला? भैया उन्हें बताया। इनके लंबे बाल और आर्टिस्टिक लुक पे मत जाना। He's a spy. Shut up. शिवाय क्या हो रहा है? यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। टिया से मेरी शादी होनी थी और टिया से शादी हो रही, अनिका बीच में कहाँ से आ गई? हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि अनिका कहाँ से बीच में आ गई। What nonsense. अनिका is over and done with. अब वो कभी मेरी लाइफ में नहीं आएगी। भैया आपने पहले भी ये बात बोली थी पर वो गई और बूमरैंग की तरह वापस आ गई। अब वो कभी नहीं आएगी। तो डिनर पे क्या हुआ था और अनिका तुझे इतना अफेक्ट क्यों करती है? सवाल जवाब हो गए तुम्हारे? क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। लंच, एनीवन फॉर लंच? अभी आई आई सॉरी 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 सॉरी
बचपन से एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अरे पिज्जा गोल होता है तो उसका बॉक्स स्क्वायर और पीस ट्रायंगुलर क्यों होते हैं? हाँ क्यों? थैंक गॉड रुद्र, मुझे लगा शायद पहली बार तू जिंदगी में ना एक इंटेलिजेंट बात करने वाला है। Hey guys. Hey. क्या हो रहा है? पिज्जा बना रहे हैं। ओह, मेरा मतलब है कि पिज्जा की ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं। Very funny, रुद्र। रुद्र। दिया, कुकिंग आती है? Not really. Oh, मतलब शादी से पहले ही चीजें मैच नहीं कर रही हैं। अच्छा ये सब छोड़ो भैया, वो स्टंट करके दिखाओ ना, वो कर रहे थे आप। Wow baby, once more please. Really? Okay. ये डब्बा, शिवाय एंग्री यंग मैन बनने से पहले मेरी बात सुनो शिवाय। क्या शिवाय भैया अटैक करने जा रहे हैं, ओमकारा बाल बढ़ा रहा है, मैं फूल उगा रहा हूं, ओके बालों में लगाने के लिए, हैप्पी? व्हाट? अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपने मुझे हरा दिया तो आप गलत सोच रहे हैं। तुम? इसे मैंने बुलाया है तेरे लिए। What? अरे भाई शादी की तैयारियां करनी है, मैंने बोला था ना उसके लिए अनिका को बुलाया है। ये शादी के इंतजाम में हमारी मदद करेगी। एक सेकंड, ये इस घर में काम करेगी? नहीं, जापान में करेगी। अरे भाई शादी यहाँ होनी है तो यहीं करेगी ना। प्रियंका ने बताया कि ये कैंटीन बहुत अच्छे से चलाती है, वैसे हमें जानती भी है। वैसे भी तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया, इसे जेल भेज के। ओके सर, ओके। तो मैंने प्रियंका से कहा कि इसको फोन करके बुला ले, थोड़ा मनाना पड़ा पर रब दा शुक्र है कि ये शादी के लिए मान गई। दादी आपने बुलाया तो मैं मना कैसे कर सकती थी? आना ही था। देखा, ये है संस्कार। कितना मीठा बोलती है, कितनी सीधी है, मिलनसार है, मुंह में जुबान तो जैसे है ही नहीं। मुझे जब गुस्सा आता ना तो मेरा तो मन करता है कि मैं बैग उठा के ना सीधा शीशा ही फोड़ूं इसे। चल तू काम संभाल, मैं आती हूँ।
दिखाई नहीं दे रहा। डिस्टर्ब मत करो, लाइव मैच देखने दो। खुद तुम बॉयज भी ना कहीं भी मैच देखना शुरू कर देते हो। क्या हुआ मिस्टर शिवाय सिंह? लगता है जुबान का पेट्रोल खत्म हो गया। आज कोई डायलॉग नहीं मारोगे आप? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं पता नहीं कैसा हूं। मैं विराट कोहली का कोच हूं, मैं ऋतिक का डांस टीचर हूं, मैं इंडिया का नेक्स्ट पीएम भी हूं, एएम भी हूं। बाहर तो बड़ा शोर इन द सिटी बन के घूमते हो, और अपने घर में नील पट्टे सन्नाटा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी हार चुकी हो। तो चेक इन कैश करा लिया तुम, अगली बार अपने इस एटीट्यूड को ना मेरे घर के बाहर फेंक के आना। बाहर क्यों? अंदर ही फेंकूंगी, वो भी आपके मुंह पर। रोज रोज अनिका। बात अभी खत्म नहीं हुई है। बात अभी खत्म नहीं हुई है। रिश्ता।